नमस्कार दोस्तों, टाटा स्टील के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.23% के क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसके साथ देखेंगे स्टॉक में छोटा सा रेड कैंडल है, स्टॉक आपको कंटिन्यूसली कुछ दिनों से गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में तेजी आएगा, गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या कंडीशन बनेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर हमने चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पर लगाया, आप देखेंगे स्टॉक आप एग्जैक्टली एक ऑप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहे हैं और बार बार जो हमारा ट्रेड लाइन है उससे को सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है जो कि 142.26 में है। रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है 169 का है और अगला रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है 185। दोस्तों अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर तो देख सकते हो स्टॉक आप एग्जैक्ट लेकर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, अब इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसी तरीके से देखेंगे स्टॉक जैसे इस लेवल यानी कि 169 को ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में तेजी आएगा और 178 का आपके सामने रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 185। सपोर्ट लेवल की बात करें सपोर्ट लेवल हमारे सामने 148.5 का रहेगा, नेक्स्ट रहेगा 142। दोस्तों सभी लेवल्स यहाँ पर हमारे सामने इंपॉर्टेंट है तो सभी लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।